Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very, very good morning, Nazreen, and welcome to Masala Mornings. Umeed hai Allah Taala se dua hai aap to sab khair khairiyat se honge aur aaj soch rahe honge aaj kya ban raha hai because ek din pehle main aapko bata nahi pati hu mere ko bhi yaad nahi rehta hai ki kya ban raha hai. Bahar aaj hum bahut hi maze ka bana rahe hain badami mutton korma. मुगलाई कटलेट्स बनेंगे और उसके साथ में हम बहुत ही मज़े का लोबिया सैलड बनाएंगे. चाहे लोबिया इज़ वेरी गुड, चाहे आप राजमा ले लो चाहे आप लोबिया ले लो, दोनों किस्म के जो बीन्स होते हैं ना दे आर वेरी हेल्दी. और आजकल तो वही बात है कि हेल्दी खाना है, अपना इम्यून सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हैव हेल्दी फूड. ठीक है ना, जंक फूड को तो बिल्कुल बंद कर दो. बच्चे जो इस वक्त मेरा शो देख रहे हैं प्लीज़ बिल्कुल अपनी माओं को अपने घर वालों को तंग नहीं किया करो कि हमें डिलीवरी मंगवा के दो फलांकी. नहीं, घर का खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं, घर का बनावा खाना खाएं. ठीक है. अच्छा जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो. पहली रेसिपी, अच्छा चूँकि बादामी कोरमा मटन से बना रही हूँ और मटन कच्चा है, ठीक है, तो मैं उसको प्रेशर कुकर में करूँगी. आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बल्कि पता है, मैं आपको आज एक बात बताऊँ, प्रेशर कुकर का खाना मुझे ऐसा फील होता है कि टेस्ट लूज़ करता है बिकॉज़ उसमें जल्दी हम करते हैं, जल्दी गलाने के लिए उसको फास्ट कुकिंग के लिए करते हैं, तो वो आई डोंट नो. मैं अपने घर में कभी प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, नेवर. I always use my आम पतीली और स्लो मेथड से उसकी कुकिंग करती हूँ. कोई जल्दी क्या है, है ना. लेकिन अगर जल्दी है, जैसा हमारे शो में हमें कंप्लीट करना है और जल्दी है, तो फिर तो नेचुरली इसका सहारा लेना पड़ता है. लेकिन प्लीज़ प्रेशर कुकर के भी अपने कुछ ख़ास रूल्स होते हैं जिनका आपको बहुत ख्याल रखना होता है. पता है ना, बहुत सी दफ़ा खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ है, सुना है कि अल्लाह नहीं करे कभी किसी के साथ हो कि वो फट जाता है और टेरेबल. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम आ चुके हैं अपने किचन में और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बादामी कोरमा. अच्छा, इसमें कच्ची प्याज डालेंगे, ठीक है, कच्ची प्याज डालेंगे और कच्ची प्याज को मुझे फ्राई करना है. इतनी देर फ्राई करूँगी कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्की हल्की सी खूबसूरत सी वो लाइट गोल्डनिश की तरफ जाने लगेगी. तो यहाँ पे मेरे पास दो प्याज रखी हुई है, या आप उसको पीस लो या कद्दूकश कर लो, आपकी मर्जी है. ठीक है, ओके. अब ये कोरमा घी में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतना अच्छा ज़बरदस्त सा हेल्दी कुकिंग ऑयल है, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, तो ऑफ़ कोर्स हम वही यूज़ करेंगे. हमें क्या ज़रूरत है घी खाने की. ठीक है, अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और तेल को हम अच्छी तरह से, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे. अच्छा, इसके लिए आपको एक मसाला फ्राई करना है, सॉरी पीसना है. साबुत धनिया एक खाने का चम्मच, उसमें आपको अदरक डालनी है एक इंच का टुकड़ा, और उसमें आपको साबुत काली मिर्चें डालनी है 15, ये पिसा हुआ है. ठीक है, ये लौंग है. ओके, मैं मटन में इसलिए सिखा रही हूँ कि अब इंशाल्लाह ईद आने वाली है, हार्डली 3 हफ्ते ही रह गए हैं, तो आप गोश्त की फरानी होगी तो आप बनाइएगा प्लीज़, बहुत ख्याल रखिएगा. मैं अपने शो के उससे आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा.
मत जाइए आप वो लेने, जानवर लेने प्लीज़। पता है इससे हमारे मुल्क में और वबा फैलेगी। देखें कुर्बानी देनी है, करनी है, ठीक है ना, हम पे लाजिम है। तो हम किसी अच्छे से इदारे में जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, बहुत से ऐसे इदारे, मैं तो ऑलरेडी अपना शेयर दे चुकी हूँ, बिकॉज घर में लाओ, घर में वो फिर कसाई किस हाल में होगा हमें क्या पता, उसके साथ जो दो तीन और लोग आते हैं हमें क्या पता उनके अंदर क्या पल रहा है। प्लीज़ अपने आप को सेव कीजिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन, इट्स नॉट राइट। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा है कि घर में ही करो, नहीं कहा है, ठीक है। ठीक है, सवाब है लेकिन अब मजबूरी के तहत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र इरम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैंने आपका थैंक यू कहना था, आपने फेसबुक पेज पर पूरी जून से मेरी रेसिपी सेलेक्ट की थी। किसकी? पूरी जून पेज है ना फेसबुक पर, कौन सा पेज? फूडी जून। हाँ 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 जी हाँ, आपने, मैंने बिरयानी की रेसिपी वहाँ पर दी थी तो आपने मेरी रेसिपी सेलेक्ट की है। अच्छा, यू आर अ विनर। आपने कौन सी बिरयानी बनाई थी, स्मोक चिकन या वो पर्दा वाली? बिल्कुल, मैंने स्मोकी बनाई थी, बहुत जबरदस्त थी, स्मोकी चटपटी की। अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक बेटा आपको, वंडरफुल, थैंक यू। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आपने मेरी रेसिपी सेलेक्ट की है। अब मुझे तो पता ही नहीं था आप मिल नहीं रही थी। अच्छा नहीं, बहुत शुक्रिया बेटा। इसी तरह आप हमारे शो को फॉलो करते रहा करो तो आप लोगों का ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ही देख के बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बनाते रहे। माश की दाल भी मैं जरूर ट्राई करूँ। जरूर करना बेटा, जरूर कर। वो तो अम्मी लोग तो वैसे ही माश की दाल वगैरह बना रहे होते हैं, तो आप जरूर कोफ्ते के जी जी, और बहुत अच्छे सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं, मजा आता है। डेफिनेटली, मैं देख रही थी कल, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं जरूर ट्राई करूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कॉल। यू आर वेलकम बेटा, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा, प्याज हो रही है, ठीक है, प्याज हो रही है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन, अदरक इसमें उसमें जाएगा दूसरे स्टेप में। अभी इसमें खाली लहसुन जाएगा और लहसुन इसमें पिसा हुआ जाएगा 1 टेबलस्पून, ये रखा हुआ है। ठीक है, प्याज के साथ भून लें ताकि इन दोनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ले लो बेटा, ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है तो मैं इसको यहाँ पे आराम आराम से फ्राई कर रही हूँ। आप जब तक चलिए एक ब्रेक लेके आइए। अगर प्याज इतनी देर में लाल हल्की हल्की गोल्डन हो जाएगी तो मैं एक काम करूंगी आपके इजाज़त से, यहाँ पे मेरे पास गोश्त रखा हुआ है, दिस इज लिटल मोर देन 500 ग्राम्स, आधा किलो से थोड़ा सा, 2-3 बोटी ज़्यादा है, तो वो मैं इसमें डाल के और उसकी भुनाई शुरू करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। इसको मैंने ढक दिया था और इसको मैंने खोल दिया, कोई पानी नहीं कुछ नहीं, बस गोश्त डाल के उसको भूनती रही और फिर ढक दिया 5 मिनट के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप दही रखी हुई है, यानी कि 1.5 पाव। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, ये बड़ा मज़े का कोरमा होता है, ज़रूर बनाइएगा। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, नमक 1 चाय का चम्मच हीट भर के, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी के हल्दी, ठीक
ये डाल दीजिए। ये डाल के अब आप इसको ज़रा सा भूनें, इतनी देर हिलाएंगे हम इसको कि इसकी दही कर्डल ना हो जाए। फिर मैं इसको कवर कर दूंगी, प्रेशर दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं इसको खोलूंगी, फिर मैं इसमें पिसा हुआ मसाला डालूंगी जो कि धनिया, अदरक और काली मिर्चिंग का पाउडर है, वो जाएगा। उसके बाद में इसमें छोटी इलायची पिसी भी जाएगी, लौंग पिसा हुआ जाएगा, जायफल जावत्री पिसी भी जाएगी। बहुत ही लजीज, मतलब आप समझ लें कि जो आप कोरमे सिखाए मैंने उसमें से ये बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल चिकन में बना सकते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक दिस रेसिपी इन चिकन, बना लो चिकन में। देखिए मैं इतनी देर इसको हिला रही हूँ कि फटे नहीं, दही फट जाती है तो दाना दाना आ जाता है, पानी अलग हो जाते, फुटकली सी बन जाती है, आई डोंट वांट दैट। ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना, आई शेयर इट विद यू ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये देखें, ठीक है, अब इस पर उबाल आ गया, नज़र आ रहे हैं ना, उबाल आ गया। जब इस पर उबाल आ गया अब हम इसको कवर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम शीरीन आपा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। गुड, ग्रेट। शीरीन आपा, आई हैव अ रिक्वेस्ट। आई वांट शेफ अरशद शाहिद टू मेक कॉफी केक। आई नो वो आपने प्लान आउट कर दिया है फॉर स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। सो व्हिच वन? वो बॉम्बे बेकरी वाला? प्लीज सर अरशद से कॉफी केक बना लें। बॉम्बे बेकरी वाला? जी 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 जी। अच्छा, चॉकलेट केक इज कमिंग नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, तो उसके बाद एक एक हफ्ते से भी विल डू इट। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। एंड ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कराएंगे जी, हम बैठे ही हैं आपकी फरमाइशें पूरे करने के लिए, क्यों नहीं कराएंगे। अच्छा, जब तक इसको 15 मिनट होंगे हम पकने दे रहे हैं इसको। मैंने थोड़ा इसको हल्का किया है बिकॉज़ पानी नहीं डाला है ना, सिर्फ दही का पानी है। अब आ जाइए आप, मैं सिर्फ इसमें मसाला मिक्स कर रही हूँ ताकि जब तक मेरा वो आ जाएगा चॉपर, तो मैं उसमें पीसूँगी। पानी निकाल देना प्लीज़। एक पाव चिकन का कीमा ब्रेस्ट और एक पाव चिकन का कीमा लेग। मैं जब भी शामी कबाब बनाऊं चिकन के या एनी कबाब्स, एनीथिंग, बर्गर पैटी बनाऊं, आई ऑलवेज यूज़ लेग एंड ब्रेस्ट। ब्रेस्ट अगर खाली यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके कबाब्स जो होते हैं, कटलेट्स जो होते हैं, बर्गर पैटी होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, गले में फंसता है। तो थोड़ा सा देखें, इसमें थोड़ी सी उसकी चर्बी वगैरह आ जाती है ना लेग की, तो बहुत मॉइस्ट रहते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टनेस कबाब में आती है। ठीक है, ओके। मुगलाई कटलेट्स के लिए मेरे पास आधा किलो कीमा रखा हुआ है चिकन का। इसमें मैं शामिल करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून कच्ची प्याज पिसी हुई, कोशिश करें विदाउट वाटर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे डबल रोटी, एक लार्ज स्लाइस मैं ले लेती हूँ। उसके बाद इसमें जाएगी नमक 1 टीस्पून,
का टीस्पून सॉल्ट, 1 teaspoon चिली पाउडर लेवल्ड, 1 teaspoon हरी मिर्चें पिसी हुई, 1 teaspoon उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon लेवल्ड, 1 teaspoon पिसी हुई ग्रीन कार्डमम 1/4 teaspoon, उसके बाद इसमें जाएगा नारियल पिसावा 1 tablespoon, ये रखा हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट पिसावा 1 tablespoon, और इसमें जाएंगे बादाम पिसे हुए 1 tablespoon, 6 बादाम लिए थे, नहीं है बादाम काजू ले लो, काजू नहीं है बादाम ले लो, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 teaspoon। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शिरीन? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बड़ी कॉल लगती है। अरे 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ तो आज लगी है। भाई ये मेरा डायरेक्टर मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत लकी है सालिक, जब ये अच्छा होता है ना कॉल सबकी लगती है। जी बोलें, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। वैसे तो हमारी बातचीत होती रहती है लेकिन मैंने कहा डायरेक्ट बात करने में जो मजा है वो थोड़ी मजा है। जी फरमाइए, क्या क्या बनाया आपने अभी 3 दिन में से, कुछ ट्राई किया? नहीं अभी तक नहीं किया, अब करूंगी। क्या बना, क्या बनाओगे आज? ये कबाब बनाऊंगी। जरूर बनाइएगा, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, वेरी नाइस। इंशाल्लाह आज बनाऊंगी, ठीक है। और मेरी फरमाइश भी तो पूरी कर दें। क्या? सब्वे की कुकी। हाँ सब्वे की डबल चॉकलेट। ओके ओके, असल में पता ही क्या है, मैंने कभी वो खाई नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं पहले एक घर मंगवाऊँ खाऊँ फिर मैं ज़रूर करा दूँ। ज़रूर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है, मैं ज़रूर कराऊँगी। बहुत शुक्रिया तस्नीम कॉल करने का, मुझे हैरानगी होती है लोग मुझे कहते हैं आपके शो की कॉल नहीं लगती, कैसे नहीं लगती? अगर लगन हो, दिल में चाहत हो, मोहब्बत हो, बिल्कुल लगती है। देखें आपके सामने है, अच्छा ये देखें, अब ये आपको कीमा कैसा लग रहा है ना, मोटा मोटा अजीब सा लग रहा है ना, तो अब क्या होगा, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। 1 double roti की स्लाइस इसमें डालती हूँ, अभी चॉपर मंगवाती हूँ, पूरा कीमा चॉपर में डाल के आपके सामने पीसूँगी। फिर इस कीमे को यहाँ पे मेरे पास कोयला रखा हुआ है, कोयले का दम दीजिए आप अभी दे दीजिए या कबाब को फ्राई करने के बाद दे दीजिए, यह आपकी खुशी है, ठीक है। कबाब कोयले का दम देंगे और फिर आप इसको इंजॉय करेंगे किसी भी चटनी या रायते के साथ। अभी इस फॉर्म में आप कबाब नहीं बनाएंगे, ऐसा भुरभुरा है ये कीमा, ठीक है। इसको हम पीसेंगे विद अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, और ब्रेड को इसमें लिखा हुआ है आपको पानी में भिगोना है, मैं नहीं भिगाऊंगी, मैं ना उसके कॉर्नर्स निकालूंगी ना मैं पानी में भिगाऊंगी, इसलिए कि इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है, ठीक है, पानी थोड़ा थोड़ा है तो मैं भिगाऊंगी नहीं। कॉलर हैं दुबई से, अस्सलाम वालेकुम मलिसा, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मलिसा। गुड मॉर्निंग आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड। Nice to see you very fresh and smiling. छुट्टी मिल गई ना 3 हफ्ते की, I'm so relaxed. अल्हम्दुलिल्लाह. Well deserved. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का शुक्र. जी. Please show the subway bread, no? अच्छा ठीक है. When we go to subway over here, at least in Dubai, I can tell you. ठीक. Because there's different toppings on top of the bread. ठीक है. जरूर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। एक सबवे का शो करती हूँ, 2 sandwiches विद ब्रेड एंड चॉकलेट चिप कुकीज, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दे दो। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस, टेक केयर। इतनी दूर दूर से आप लोग कॉल करते हो, दुबई से, रंजीता बहरीन से, कहाँ कहाँ से, समरीन करती है मस्कत से, मैं तो इतनी परेशान होती हूँ कि भाई
इतना मत कॉल किया करो, तुम्हारे घरों में जब बिल आएगा तुम्हारे मियाँ नाराज़ हुआ करेंगे। डोंट वेस्ट मनी आई फील, ठीक है? बट आप लोगों की मोहब्बत है, थैंक यू सो मच, मैं यही कह सकती हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ब्रेक में काम करूँगी, ब्रेक आ गई, ठीक है? काम ये करूँगी ब्रेक में कि मैं इधर चॉपर मंगा के रख रही हूँ, एक डबल रोटी की स्लाइसेस में डालती हूँ और इसको मैं चॉपराइज करती हूँ, फिर निकालेंगे, कोयले का धुआं देंगे इसको हम, ठीक है? और फिर इसके टिक्कियाँ बनाएंगे और फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह इसको 15 मिनट आई एम श्योर हो चुके होंगे। मैंने इसका चूल्हा कर दिया है बंद, ठीक है? मैं कभी कभार जल्दबाजी में इसको उठा लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ नहीं किया करें। ये नहीं कि आप सोचें कि भाई आप तो उठा लेती हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, मैं भी नहीं उठा रही, ठीक है? इसको हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, इसको मैं खोलूँगी। खोलने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये पिसा हुआ मसाला, धनिया, अदरक, ये लौंग 1/4 टीस्पून, और इसमें जाएगा मेस, जावत्री, ये रही, लौंग डाल दिया 1/4 टीस्पून, उसके बाद में मेस है 1/4 टीस्पून, ये चली गई, छोटी इलायची पिसी हुई 1/4 टीस्पून, ये चली गई, उसके बाद में ज़ाफ़रान और केवड़ा हम एंड में डालेंगे, ठीक है? ये अलग जाएगा, क्रीम अभी जाएगी, अदरक लिखा हुआ है 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट, जिंजर पेस्ट नहीं है, जिंजर जूलियन स्लाइस्ड, ये भी हम इसके साथ डालेंगे, केवड़ा और उसके साथ जाएगा, बादाम अभी फ्राई करके रखनी है मैंने 2 टेबल स्पून, ये भी बाद में जाएगा। अभी ये सारा मसाला पिसा हुआ जायफल नहीं, माफ़ कर दीजिए, जावत्री, छोटी इलायची, लौंग 1/4 टीस्पून, ये है, धनिया साबत उसको पीस लिया, कोई भुना शुना नहीं था, 1 टेबल स्पून, उसमें 2 इंच का टुकड़ा अदरक डाल के वो पीस दिया, और काली मिर्चें 12 से 15 साबत उसको पीस दिया, और क्रीम का आधा पैकेट है, आधा काफ़ी आधा पैकेट, ठीक है? अच्छा ये देखें, ये मेरे पास मशीन आ चुकी है, ब्रेड में भी डाल दी, एक दिन पुरानी ब्रेड हो तो अच्छी है। 12 जी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही सालिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, आप लोगों की दुआएं। माशाल्लाह, आपको देख के इतनी खुशी होती है, पीछे आप नहीं आ रही थी ना, तो बस आप खैरियत से थी ना? जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम छुट्टियों पे थे, हाँ अल्लाह का बहुत एहसान है, बस जरा कराची के हालात ऐसे थे तो डर लगता था, तो इसलिए अल्लाह बस घर पे ही थे, कहीं नहीं निकली। आपका प्रोग्राम तो रिपीट में भी आता था, देखते जरूर थे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं तो कहती हूँ आपका प्रोग्राम इतना अच्छा, हर चीज मुझे, तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, हर वक्त आपके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आपको सेहत, आप सबको अल्लाह सेहत, आमीन सुम्मा, आमीन। बहुत अच्छा सिखाते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं घर में बैठ के, इतना बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त, कुछ भी करना चाहे बिल्कुल। तो मैं तो कहती हूँ, करती भी थी, लेकिन किसी वक्त जो है ना, मैं कोई थोड़े से काम जो है ना घर से, मेरे बेटे को भी है कि आप किया करो, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, इतना टाइम मुझे मिलता है मैं करती हूँ ऑनलाइन, ऐसे जो ना ऑर्डर वगैरह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा श्री आपा, ये शेफ महबूब खरीद से हैं, वो नहीं आ रहे, मुझे
इतना तो पता है कि वो खैरियत से आ जाएंगे इंशाल्लाह कुछ दिन में। अच्छा चले अल्लाह ताला उन्हें उसे तंदुरुस्ती दे, बस देखते थे ना, तो क्योंकि बहुत जो है ना आप लोग अगर कोई एक भी ऐसे ना आए एकदम से, वो नहीं ना आ रहे जब से ये कोरोना का हुआ। जी था, जी जी तो नहीं खैरियत से तबीयत तो उनकी ठीक है इतना तो मुझे पता है। आपको खुश रखे, आप हमेशा खुश आबाद अपने बच्चों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन, जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह, आप लोग भी हमेशा अपनी औलादों के साथ खुश आबाद रहें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा आपने देखा मैंने एक चीटिंग की है, चीटिंग किया कि वहाँ से जाके एक ब्रेड उठा के और डाल दिया एक स्लाइस। असल में ये ब्रेड स्लाइस थोड़ी छोटी थी, छोटी ब्रेड की थी इसलिए दो डाल दी, अगर बड़ी सैंडविच लोफ की स्लाइस हो तो एक डालिएगा, ठीक है। कलर देखें, ये देखें ये सारा मसाला, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह सारा मसाला चला गया। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं इसमें कोरमा है ना ज़्यादा नहीं जाएगा, आधा कप पानी, ठीक है, मिक्स करेंगे इसको और दोबारा से मैं छोड़ रही हूँ 15 मिनट्स के लिए, अभी नहीं गला है, 15 मिनट के लिए हम और छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक गल जाएगा फिर हम इसको खोलेंगे 15 मिनट के बाद। इसमें लास्ट की जो इंग्रेडिएंट्स है वो जाएंगे, क्रीम जाएगा, लंबाई में कटी हुई अदरक जाएगी, केवड़ा जाएगा, ज़ाफ़रान जाएगा, डिश में निकालेंगे ऊपर से बादाम डाल के और आपको पेश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, हेलो जी जी अस्सलामुअलैकुम, बोलिए मिसेज इरशाद। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देखकर सुबह जान आ जाती है। 3 हफ्ते आपने छुट्टी की थी तो हम लोग तो उदास हो गए थे कि आप पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं नहीं जाऊंगी जब तक अल्लाह अपने पास नहीं बुलाएगा आप लोगों के साथ। अल्लाह आपको अपने बच्चों के साथ हमारे साथ खुश रखे। आमीन। आप ऐसे ना बोले, इस वक्त में आपको देखकर ही हमें जान आ जाती है, आपको देखकर ही हम बहुत खुश गए। बस दुआ में याद रखा करें इंशाल्लाह, खुश रहे आप अपने बच्चों के साथ हमारे साथ हमारे मुल्क के साथ। आमीन। जो आपने कोरमा बनाया था इसमें जो लाल मिर्च वो कलर वाली डलती वो आपने डाली? मैंने वही डाली। मैं पता है आपको एक बात आज बताऊं, मैं अपने घर में और अपने शो पे जो मैं लाल मिर्चें यूज करती हूँ ना, मैं किस हिसाब से खरीदती हूँ, मैं जब मिर्चें खरीदने जाती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ मुझे एक पाव तुम रंग वाली मिर्चें दो और एक पाव तेज वाली मिर्चें दो, जो आम मिर्चें आती हैं, दोनों को मिक्स करके फिर मैं यूज करती हूँ अपने खाने में। अच्छा सही सही, ठीक है, जायका भी कम आता है वो कलर भी ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही, बहुत अच्छी तरीके बताई ये तो आपने। नहीं सर, जब मैं जो कर रही हूँ वो मैं आप मेरा फ़र्ज़ है मैं आप लोगों को बताऊँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आप भी इसी तरह करिए। अच्छा अच्छा बेटा चलो, बस एक मिनट दे दो मुझे, सिर्फ एक मिनट। जलता हुआ कोयला धुआं देना है, जल्दी से कवर, ठीक है। चलें जी आप लोग ब्रेक लेके आइए, ब्रेक पे से जब वापस आएंगे मैं इसकी टिक्कियां बनाऊंगी और फ्राई पैन में या तवे पे इसको हम फ्राई करेंगे बहुत ही थोड़े से इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल में, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। कोई भी अच्छी सी सॉस, चटनी, रायता, एनीथिंग इसके साथ सर्व कीजिए। बड़े अच्छे लगते हैं, इसमें कोयले का धुआं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को फ्लेवर नहीं पसंद है, स्मोकी फ्लेवर नहीं करें। आई लव इट, नहीं पसंद है नहीं डाल। बहुत स्टिकी है ये। तेल लगाएंगे, प्याज के लच्छे, टमाटर के स्लाइसेस, नींबू, किसी भी चीज़ के साथ, या कोई आप ज़रा सा गार्निश कर लें उसको। खाली खाली मत लग दीजिएगा टेबल पे ले जाके। और चिकन के कबाब है, प्लीज ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स, 2 से 3 मिनट एक साइड पे। ये अच्छी खुशबू आ रही है और स्मोकी। और ये बड़े अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। इसकी वजह ये है, एक तो इसमें डबल रोटी है, दूसरी वजह ये है कि ये खाली मुर्गी के सीने से नहीं बने हुए हैं, इसमें लेग भी शामिल है। अब हम आ जाएंगे अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ। इसको मैं मेरा ख़्याल से अब बंद कर रही हूँ, कोरमे को। फिर इसमें बस मैं क्रीम डालूँगी, केवड़ा डालूँगी ज़ाफ़रान वाला, और ज़ाफ़रान के साथ केवड़ा सा लंबाई में कटी हुई अदरक, क्रीम डाल के 2 मिनट दम पे छोड़ूँगी और डिश में निकाल के ऊपर से बादाम। इसको आप सर्व करेंगे जो बेकरी वाले शीरमाल आते हैं ना उसके साथ, या जो दूसरी ताफ्तान और शीरमाल जो आते हैं उसके साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। जो आपने अभी रेसिपी बनाई है चिकन की, ये बहुत डिफरेंट और अमेजिंग है, नेक्स्ट ईद से काम आएगी। ज़रूर बनाना, ट्राई करना बेटा। मटन खा के ना बंदा थक जाता है, तो फिर चिकनियों के फॉर्म में ना ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो है इंशाल्लाह बेटा। और जी आपका बस बेटा, आपको बहुत अच्छा जा रहा है। आपको आपकी टीम के लिए बहुत दुआ। बहुत शुक्रिया। बस दुआओं की आजकल ये दौर आ गया है कि हम सबको एक दूसरों की दुआओं की ज़रूरत है।
बेशक ये अब्बा, ये मेरी मदर से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपका शो बहुत अच्छा है, बच्चे इतना कुछ सीखती हैं, हमें इतनी खुशी होती है देख के, आपने तो कमाल ही कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ किया करें अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे दोनों जहां में। आमीन आमीन आमीन। आप हर चीज़ आपकी अच्छे तरीके से बताती हैं, समझाती हैं, सिखाती हैं कि साफ साफ समझ लग चल जाती है बच्चियों को, और जब ये बना के हमारे लिए लेके आती हैं तो हमें इतनी खुशी होती है। जाहिर बात है, ये सारा कुछ आपा नहीं है। जाहिर बात है, ये तो है, अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह इनका नसीब बुलंद करें और इनको कदरदान लोगों के घर जाएं। आमीन। जी जी आपा बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको भी आपा सेहत दे और इसी तरह सिखाती रहें, इसी तरह हमें नज़र आती रहें, खुश सेहतमंद आबाद। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह जी। जनाब ब्रेक आ चुकी है, आप लोगों से इजाज़त है, मैं इसको ब्रेक में खोलूँगी। ये देखें मेरे पास आधा पैकेट क्रीम है, 2 टेबलस्पून लंबाई में कटी हुई अदरक है और ये ज़ाफ़रान और केवड़ा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारे बादामी कोरमे में जा चुकी है, ये तीनों चीज़ों में डालूँगी, इससे मैं इसको ज़रा सा मिक्स करूँगी, सिर्फ 5 मिनट दम पे रखूँगी और इसको हम डिश आउट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक का। जी जनाब वेलकम बैक, मुझे पता है आपको ये थोड़ा तंग करता है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा जी, लोबिया सैलड, अच्छा वो देख लीजिए, सैलड दिखा दो टेबल बेटा, मेरा बादामी कोरमा, बेहतरीन बादामी मटन कोरमा रेडी है, ऊपर हमने बादाम डाल दिए, हमारे कटलेट्स मुगलाई कटलेट्स रेडी हैं, उसको आपने सर्व कर दिया। अगर आपके पास गार्निशिंग नहीं है कोई बात नहीं, आप प्याज के लच्छों के साथ, सिंपल प्याज के लच्छे काटो, उसके साथ टमाटर की स्लाइसेस काटो, नींबू के वेजेस काटो, उसके साथ सर्व कर लो, ठीक है। ओके, नाउ आई एम मेकिंग लोबिया सैलड, जिसकी मैं पहले ड्रेसिंग बना रही हूँ। ओके, ड्रेसिंग के लिए मुझे 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका चाहिए। ठीक है, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे चाहिए लहसुन 1 टीस्पून, इसी में जाएगा ताज़ा पिसा हुआ 1 टीस्पून लहसुन। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें गिरी मेरे पास 1/2 टीस्पून, क्रश्ड ब्लैक पेपर। उसके बाद में कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून, उसके बाद नमक 1/2 टीस्पून, क्या बेटा आवाज सही है? अच्छा ये हो गया, अब स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, ये पूरी ड्रेसिंग है, ठीक है। सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल, ये आपको सूरी में मिल जाता है, ये रहा। अच्छा मजबूरी है, एक बॉटल ख़रीदने में आपको मसला हो रहा है, जाने में मसला हो रहा है, ये डाल लो, इटालिया का एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा वर्जन, पामेस नहीं डालिएगा, एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा वर्जन 2 टेबलस्पून। ये हो गया, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सारी ड्रेसिंग मेरी रेडी है, रिपीट कर रही हूँ।
एक प्याले में मैंने लिया सिरका 2 टेबलस्पून, उसमें 1 चाय का चम्मच ताज़ा पिसा हुआ लहसुन, ठीक है, नमक, काली मिर्चें मोटी मोटी कुटी हुई दरदरी सी, लाल मिर्चें कुटी हुई तीनों चीज़ें, आधा आधा चाय का चम्मच लेवल्ड, स्वीट चिली सॉस सूरी की 2 टेबलस्पून, सूरी ही का सेसमी ऑयल 2 टेबलस्पून, सूरी ही की मैंने लाइट प्रीमियम वाली सोया सॉस दी है 1 टेबलस्पून। ये मेरी ड्रेसिंग रेडी है। अब आ जाइए सैलड पे। सैलड के लिए मुझे चाहिए लोबिया, ये मैंने खुद रात में भिगो दिया था, कंडेंस मिल्क का जो खाली डब्बा आता है वो एक डब्बा रात में भिगो दिया था और सुबह बॉईल के अच्छा खासा हो गया था, तो मैंने आधा घर छोड़ आई हूँ और आधा ये है, 2 कप है, मैं मेजर करके लाई हूँ 2 कप, ठीक है, 2 कप सफ़ेद लोबिया हो गया, 1 टिन राजमा का यानी किडनी बीन्स का, 1 टिन आप अगर फ्रेश चाहिए आपको आप बिल्कुल इसको बॉईल कर सकते हो, मिलता है बाज़ार में साबुत लाल लोबिया, उसको बॉईल करके आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद 1 शिमला मिर्च बारीक क्यूब्स में कटी हुई, 1 टमाटर बीन्स निकाल के क्यूब्स में कटा हुआ, 1 खीरा छिलके के साथ, इसके मैंने छिलका नहीं निकाला है, बीन्स निकाल दिए छिलका नहीं निकाला है, ठीक है, और सुन्नत रसूल जैतून हमारे पास इसके मौजूद हैं इटालिया कंपनी के, वो हम डालेंगे 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून आप ये डाल दीजिए, और काले वाले भी डालूंगी। अस्सलामुअलैकुम सायमा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा, मुझे मैं पहले भी शाम में तो आप आती थी, मैं कॉल कर रही थी, लेकिन सुबह में अभी मेरी कॉल आज मिली है। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि आप हमारी इतनी इज्जत रखती हैं, आपने रोज कोलाडा बताया, मैंने ईद से बनाया सब मेहमानों के लिए और सब ने इतनी तारीफ की, तो मैंने यही कहा कि सब कुछ आपकी वजह से। रोज कोलाडा नहीं था, इतनी इज्जत रखती हैं, अल्लाह ताला आपको उसी तरह इज्जत दे, आपको हमेशा बच्चों में सब बहारें दिखाए। आमीन आमीन। आपने बहुत, और आप ही की बनाई हुई बिरयानी बनाई और डिशेज बनाई सबको इतनी पसंद आई, तो इतनी आपकी वजह से हम सबकी इज्जत हो जाती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा और बहुत सारी अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए। थैंक यू मेरा बच्चा, जीते रहो, आप भी खुश रहो हमेशा। और एक ये आपसे फरमाइश बस करनी थी कि आप शर्मा फूड से ये कह दीजिए कि मेरी बेटी कह रही थी डोनट केक और रेड वेलवेट चीज केक सिखा दें। ठीक है, जरूर जरूर करके। रिजवान लिख लो जरा, रेड वेलवेट चीज केक और डोनट केक। ओके, डोनट केक तो आई कैन डू इट आल्सो। अच्छा, ये देखें सैलेड, देखा आपने क्या मज़े का, आप सोचो कितना हेल्दी, अगर ये दोपहर में इंसान को मिल जाए तो हमें और किसी खाने की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो। ये ड्रेसिंग लास्ट में बिफोर सर्विंग। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस प्लेटर में आप निकालेंगे, सलाद के पत्ते अगर थोड़े और हों तो अच्छा है, मैंने ज़रा सा इसको डेकोरेट करने के लिए, अच्छा एक निकाल देती हूँ, ठीक है, और इसको हम प्लेट में अपने डालेंगे, प्लेटर में डालेंगे और फिर इसके ऊपर हम इसको गार्निश करेंगे अनियन रिंग्स के साथ, इस तरह से प्याज के लच्छे निकाल के। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टेबल सज चुका है, आप लोगों का लंच तैयार है, आप लोगों के लिए आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। और जो हमने आज बनाया था लोबिया सैलड, मुगलाई कटलेट्स और बादामी मटन कोरमा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा शीरमाल के साथ, आफ्तान के साथ, मर्ज़ी आपकी, ठीक है। अच्छा, मैं एक दफ़ा जल्दी से, सैलड टाइम है 5 मिनट और तो कर लूँ एक। अच्छा, अस्मा बुरहान, मेरा मोती पुलाव बना रही थी किचन में, आपने मिस कर दिया, नो इश्यूज़, मैं रिपीट कर रही हूँ, लकी आज टाइम है मेरे पास। अच्छा, बादामी मटन कोरमे के लिए बेटा मैंने तकरीबन 600 ग्राम मटन लिया था, ठीक है। 2 कच्ची प्याज को मैंने ज़रा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था, वरना आप क्या करो उसको, आप कद्दू वो भी कर सकते हो, ग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें घी में ज़्यादा मज़े का बनता है, बट चूँकि मेरे पास हेल्दी ऑयल था तो आई हैव यूज्ड हाफ अ कप ऑफ इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। उसमें मैंने क्या किया बेटा, प्याज डाल, तेल गरम किया और प्याज मैंने कच्ची प्याज पीस के डाल दी, ठीक है। और उस प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन डाल दिया, दोनों को अच्छी तरह फ्राई किया। उसको फ्राई करने के बाद मैंने उसमें गोश्त डाल दिया, गोश्त डाल के उसको 5 मिनट भूना और 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद मैंने उसको खोला, फिर मैंने उसमें दही ली 1.5 पाव यानी कि 1.5 कप। उसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाली, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून लेवर डाला और मैंने उसमें डाला नमक 1 टीस्पून हीट। ये तीनों चीज़ें डाल के दही के साथ मैंने उसको गोश्त में डाल दिया। लेकिन जब मैंने गोश्त में डाला तो मैं उसको हिलाती रही हिलाती रही हिलाती रही, छोड़ना नहीं हो ना। बाज़ दफ़ा आपने देखा ना दही कर्डल हो जाती है, दाना दाना आ जाता है, पानी अलग, दही की फुटकलियाँ बन जाती हैं, हिलाते रहे, ठीक है। जब उसमें उबाल आने लगा आप छोड़ दीजिए और उसको कवर करके 15 मिनट प्रेशर कुकर दिया। प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं, आप आम पतीली में बनाओ, 15 मिनट पकाओ। 15 मिनट के बाद आप उसको दोबारा से खोलो, उसमें आपने 2 कप पानी डाला, साथ में मैंने एक मसाला पीसा था साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, भूनना नहीं है। उसी में मैंने 15 काली मिर्चें, मैंने 15 नहीं ली थी, मैंने 12 ली थी कि कहीं मेरा कोरमा काला ना पड़ जाए, 12 काली मिर्चें और 2 इंच पीस अदरक, वो तीनों चीज़ों को साथ पीस के वो मैंने उसमें शामिल कर दिया। और मैंने 2 कप, मैंने तो खैर 1 कप पानी डाला था प्रेशर कुकर की वजह से, आप 2 कप पानी डालना और डाल के उसको आप बस छोड़ दो जब तक कि गोश्त आपका गल जाए। जब गोश्त गल गया आपने उसमें 1/2 पैकेट क्रीम डाली, ज़ाफ़रान 1/4 टीस्पून मिक्स्ड विद 1 टेबल स्पून केवड़ा डाला और 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया। ऊपर से फ्राई किए हुए बादाम और जिंजर जूलियंस काट के डाल दी। सो सिंपल, ठीक है। आई होप आपको आज की रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। और इस वक्त आ चुका है एक रिकैप ब्रेक का, जहाँ पे आप लोग चल के तीनों रेसिपीज़ का रिकैप देख सकते हैं, इसके सारे अज्जा, सारा पकाने का तरीका, मेथड सब आता है रिकैप ब्रेक में। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो आप चल के देख लीजिए, फिर भी रह जाए तो आज का शो आज शाम 6:30 से 8:30 तक रिपीट होता है, रात में भी शायद रिपीट होता है बीच रात में, आई एम नॉट श्योर, और सुबह भी एक वक्त होता है, ये भी मुझे नहीं पता, मैं कल पूछ के बताऊंगी आपको टाइम, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। बादामी मटन कोरमा, अज्जा मटन 1/2 किलो, कद्दूकश प्याज 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, दही 1.5 कप, घी 3/4 कप, क्रीम 1/2 कप, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चम्मच, पिसी इलायची 1/2 चाय का चम्मच, पिसी लौंग 1/4 चाय का चम्मच, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चम्मच, केवड़ा वाटर 1 खाने का चम्मच, स्लाइस फ्राइड बादाम 2 खाने के चम्मच, गार्निश अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। पीसने के लिए अज्जा, साबित धनिया 1 खाने का चम्मच, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, साबित काली मिर्चें 15 अदद। तरकीब, पैन में घी गर्म करके कद्दूकश प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें लहसुन और मटन डालकर पैन ढकें और 5 मिनट पकाएं। उसके बाद पिसी हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी जावित्री, पिसी इलायची, पिसी लौंग और पिठी दही शामिल करके ढकें और 15 मिनट इतना पका लें कि पानी खुश्क हो जाए।
अब मटन को 5 मिनट पका लें, फिर पिसा धनिया अदरक का पेस्ट, ज़ाफ़रान, केवड़ा वाटर और 2 कप पानी डालकर ढक दें और इतनी देर पका लें कि मटन गल जाए। उसके बाद साबित धनिया अदरक और साबित काली मिर्च पीसकर मिक्सचर में डालें, साथ ही क्रीम शामिल करके 10 मिनट ढककर धीमी आंच पर दम दें। आखिर में फ्राइड बादाम से गार्निश करके शीरमाल के साथ सर्व करें। मुगलई कटलेट्स। अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, कच्ची पिसी प्याज 2 खाने के चम्मच, ब्रेड स्लाइस भीगी और निचोड़ी हुई 1 अदद बड़ी, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हरी मिर्च 1 चाय का चम्मच, गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी हरी इलायची 1/4 चाय का चम्मच, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच, पिसे बादाम 1 खाने का चम्मच, कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच, अंडा 1 अदद, तेल शैलो फ्राई के लिए, कोयला दम लगाने के लिए। तरकीब। फूड प्रोसेसर में तमाम अज्जा डालकर पीस लें, फिर इसे कोयले का दम देकर कटलेट्स तैयार करें। उसके बाद तेल गर्म करके कटलेट्स शैलो फ्राई कर लें, आखिर में चटनी या रायते के साथ सर्व करें। लोबिया सैलड। अज्जा, उबली सफ़ेद लोबिया 1.5 कप, लाल लोबिया 1 टिन, सलाद के पत्ते मोटे कटे 2 कप, छोटी क्यूब्स में कटी शिमला मिर्च 1 अदद, छोटा क्यूब्स में कटा टमाटर 1 अदद, छिलके के साथ कटा खीरा 1 अदद, स्लाइस जैतून 4 से 6 अदद, रिंग्स में कटी प्याज 1 अदद। ड्रेसिंग के लिए लहसुन 1 चाय का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। तरकीब। सैलड बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें, फिर दूसरे बोल में ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिक्स करें, आखिर में सर्विंग से पहले सैलड पर ड्रेसिंग डालें और अनियन रिंग्स ऊपर रखकर सर्व करें। लोबिया सैलड। अज्जा, उबली सफ़ेद लोबिया 1.5 कप, लाल लोबिया 1 टिन, सलाद के पत्ते मोटे कटे 2 कप, छोटी क्यूब्स में कटी शिमला मिर्च 1 अदद, छोटा क्यूब्स में कटा टमाटर 1 अदद, छिलके के साथ कटा खीरा 1 अदद, स्लाइस जैतून 4 से 6 अदद, रिंग्स में कटी प्याज 1 अदद। ड्रेसिंग के लिए लहसुन 1 चाय का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। कितनी मेहनत करती है मेरी टीम, आप ये देखिए। मैं अपने सामने, मेरे सामने एक बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है जिसमें हम ये सारे शॉट्स देख सकते हैं, ताकि हमें पता होता है कि हम हमारी भी क्या, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहरहाल, तो ये मैं अभी शॉट्स देख रही थी जो आपको दिखाए जा रहे थे। आप देखो, एक एक चीज़ इतनी बारीकी से, ये बच्चे जो मेरे सामने खड़े हुए हैं और मेरे डायरेक्टर साहब और जो ओपी रूम में बच्चे हैं सारे, कितनी मेहनत करके आपको एक एक शॉट दिखाते हैं, ठीक है ना। नाम हो जाता है मसाला मॉर्निंग शो है आपा का। नहीं जी, जब तक आपा अकेले यहाँ खड़े होके क्या करेगी, सिर्फ हिलाने आती हूँ ना। मेरे हेल्पर का इतना बड़ा साथ होता है जो मुझे सारे कबाब बना के दे देता है। मतलब सारा ये टीम वर्क है जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कि और पता है, एक बात आपको बताऊँ, जब तक आपकी टीम आपके दिल के मुताबिक ना हो, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, मज़ा भी नहीं आता शो करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है जब टीम आपके मुताबिक हो, आपकी बात। ये बच्चे हर मिनट मैं कुछ भी कहती हूँ, हंस के मुझे जवाब दे देते हैं, हंसते हैं। अगर मैं कभी कुछ चुड़ भी जाती हूँ तो भी हंसते हैं। तो थैंक यू सो मच टू माई टीम, बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों का और सबका, मेरे डायरेक्टर से लेके, रिजवान से लेके, इन सारे बच्चों से लेके, ओपी रूम में समी है, सब से लेके, सबका बेहद शुक्रिया। आपके बगैर आपा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। चलें जी, और ये बच्चे बहुत सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आप लोग मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं, ख़ासकर मेरा बेटा जो दुबई में, अल्लाह माँ, तो सब सेफ है यहाँ पे। इतने सब में पहले तो इतने इतने फासले से खड़े हुए हैं, मुझसे बहुत दूर दूर हैं, 8-8 इंच, 10-10 इंच दूर हैं। सब ने मास्क पहना हुआ है, सबके हाथ में ग्लव्स हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ है। और मैं भी शो ख़त्म होता है अपनी पर्स खोल के ग्लव्स निकालती हूँ, अपने मास्क पहनती हूँ एंड आई एम ऑफ इमीडिएटली। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे, मेरे टीम को, मेरे बच्चों को, पूरी आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कुन फयकून कह दे अल्लाह ताला, इस वबा को आसमान पे उठा लीजिए ताकि अल्लाह पूरी दुनिया में हम सबको सुकून आ जाए। अब थक गए हैं अल्लाह ताला, फिर भी हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला, ना शुक्री नहीं कर रही, शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने हमें अभी तक बचाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज जुमे की रात है, सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह दुखान, सूरह हशर, सूरह सजदा सब पढ़ना है आपको इंशाल्लाह। मिलेंगे आपसे कल जुमातुल मुबारक वाले दिन, ज़िंदगी बखैर, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सिक्योर एंड अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।